अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ कोर्स, दैट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग बेटे, जिसे हम उर्दू में नसर कहते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज पैराफ्रेजिंग मीन? पैराफ्रेजिंग बेटे बेसिकली ये क्या है, ए रीस्टेटमेंट है। तो किसी की स्टेटमेंट को दोबारा से बयान करना। सो यू नो के कॉपी पेस्ट की इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप एज इट इज़ उन्हीं वर्ड्स के अंदर उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट के ज़ुमरे में आते हैं। तो जनरल राइटिंग में और ख़ास तौर पर जब आप लास्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे और आप बेटे थीसिस लिखेंगे, तो उसके लिए जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन राइटिंग टेक्निक है वो क्या है, वो पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। तो बेसिकली आप बहुत सारे उस वक्त राइटर्स को पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे और उनकी थ्योरीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उनमें सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि फ़लाँ राइटर ने फ़लाँ बुक के फ़लाँ पेज के ऊपर ये वाले वर्ड्स बताएं और उसके बाद आप वो पैराग्राफ पूरे का पूरा लिख देंगे। नहीं, आप क्या करेंगे, आप अपने वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी रीस्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटे चंद चीज़ें आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, द सेम और डिफरेंट लेंथ हैज़ ओरिजिनल। तो इसमें कोई प्रेसी की तरह बेटे ख़ास लेंथ नहीं है, तो ये उसके बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी अहम चीज़ क्या है, इट शुड बी रिटन विद डिफरेंट वर्ड्स, इसमें आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। चौथी चीज़ क्या है, ऑफन रीऑर्गेनाइज्ड, तो इसमें तरतीब आपकी बेटे अपनी होती है। तो चौथी चीज़ अहम तरीन वो क्या है, पाँचवीं कि फेथफुल टू द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग। इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है, ये जितने भी वर्ड्स और पैराग्राफ जिस सेंस में यूज़ किए गए हैं, जिस मीनिंग के लिए, जिस कॉन्सेप्ट को बयान करने के लिए या जिस टॉपिक को ये कन्वे कर रहे हैं, वो असल मेन आइडिया वो लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दरअसल हम इन सारे वर्ड्स के ज़रिए से आइडिया को ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और आखिरी और अहम तरीन चीज़ वो क्या है, रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। इन जनरल बेटे जो बुक्स होती हैं उनके अंदर जो कोटेशंस हैं उनके मीनिंग तो अगरचे सिंपल हों, लेकिन वर्ड्स जनरली वो मुश्किल होते हैं। तो पैराफ्रेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसे रीडर फ्रेंडली बनाएं, यानी कोई डिफ़िकल्ट पैसेज है अगर आप उसे अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, तो ये इन जनरल इसको बहुत ज़्यादा